जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों आंगनवाड़ियों में माध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूह ने मंगलवार को अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ के बैनर तले पहुंची महिलाओं का कहना है कि ठेका प्रथा से मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम संचालित करने वाली स्व सहायता समूह से भेदभाव किया जा रहा है। उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी में नाश्ता बनाने की लागत 2.88 रुपए की जगह 5 रुपए एवं भोजन के 4.82 रुपए की जगह 10 रुपए किया जाए। कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि 3.83 रुपए की जगह 15 रुपए की जाए। रसोइयों को 500 रुपए प्रति माह दिया जाते हैं, इसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। सांझा चूल्हा का भुगतान नियमित किया जाए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये रसोन बहनों हैं, उनको 2000 रुपए मानदेय मिलता है, इनको कम से कम 6000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। हमारे मध्याह्न भोजन में समय समय से राशि डलना चाहिए और समय समय से खाद्यान्न मिलना चाहिए, ये हमारी मानदेय है। एक और मध्याह्न भोजन में कम से कम मिडिल स्कूल में 15 रुपए और प्राइमरी में 10 रुपए मानदेय मिलना चाहिए एक बच्चे का। और आंगनवाड़ी का जो पोषण आहार देते हैं वो भी हमको 2 रुपए 3 रुपए नाश्ते का और खाने का देते हैं। जो 5 रुपए होता है टोटल वो हमको पूर्ति नहीं होता है, कम से कम उसका भी 10 रुपए होना चाहिए। और आंगनवाड़ी की मेरा शुभ नाम है ललिता पाटिल। हमारी मध्याह्न भोजन की और आंगनवाड़ी कुपोषित बच्चों के खाने की समस्या है, जिसमें हमको राशि कम मिलती है और हम कैसे मिलती नहीं है, राशि कम मिलती है और समय समय से मिलती नहीं, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। मध्याह्न भोजन में 8 रुपए थाली बच्चा मिलता है खाने का, उसमें भी 100% बच्चे नहीं देते हैं, 60% देते हैं। तो बच्चे अगर ज्यादा आते हैं तो हमको खिलाना पड़ता है। हमारी ये समस्या है कि हमको 100% बच्चे की राशि प्राप्त हो, समय से खाद्यान्न मिले और समय से हमको राशि मिले। और आंगनवाड़ी की भी हमारी यही समस्या है। क्या नाम लिखा? मेरा शुभ नाम है ललिता पाटिल। शिकायत आज तक की 10 साल 15 साल 20 साल हो गए मध्याह्न भोजन आंगनवाड़ी चलाने में, आज तक हमारी कभी वेतन नहीं बढ़ी। हर साल कहते थे कि अगले साल तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, तुम करो काम। हम भी महिलाओं को भी यही आश्वासन देते गए, मगर 2000 रुपए महीना ही अभी तक चलता गया। और अगर यदि 6000 रुपए महीना अगर यदि महिलाओं का नहीं बढ़ेगा तो हम आंदोलन अच्छी तरह से रोड जाम कर देंगे। कंट्रोलों में भी एक मिनट, गांव खेड़े में जितने भी गांव खेड़े वहां पे मैंने महिलाओं को कह दिया कि अगर जो भी वारदान लेगा तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं उनको बात करूंगी उनसे। पर खरवान की महिलाओं को एक कंट्रोल वाले धमकी दे के, जैसे उनके मन में वैसे पी खा के आते हैं, बोलते हैं सर अब उनको वो वारदान वो महिलाओं नहीं दे पाएगी, है ना। वो इतनी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे महिलाओं को कोई परेशान ना करे और इनसे वारदान कोई ना ले। अगर वही वारदान बेच के उनके 15 अगस्त से 26 जनवरी पे ये लड्डू का वितरण करती है। क्या मांग क्या करी है? हमारी मांग यही है कि हमें 6000 रुपए होना चाहिए और ये वारदान ये दुकान वाले नहीं ले सकते हमारी महिलाओं को। मेरा नाम सुशीला भाई पाटिल है और हर महीने में इनको राशि मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।